आदेश आदेश, जय माँ कामाख्या, जय ब्रह्म बाबा सभी को। माँ कामाख्या, माँ कामेश्वरी सभी का कल्याण करे, माँ शमशान वासिनी सभी का कल्याण करे, निरोग काया प्रदान करे, सभी को हष्ट पुष्ट रखे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्या कि आपका एक शेयर किसी के लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है। जय श्री माँ। और मेरी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो भक्तों, में आज आप सभी को लेकर के आया हूँ उज्जैन की नगरी महाकालेश्वर में। जो महाकालेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते, घर बैठे रहते हैं, आने में कष्ट होता है, पैसों की समस्या हो, तो उन सभी लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी दर्शन जरूर करें, जो भी यहाँ पे आता है दर्शन जरूर करें महाकालेश्वर जी का। देखिए, ये इतना भीड़ है इस जगह पर, और जिसकी जिसकी जो भी मनोकामना होगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जैसे ही मैं खाली होता हूँ उसकी उसका जो मनोकामना है उसको देखा जाएगा, और उसका मैं माँ से अरदास कराऊँगा कि उसका जो मनोकामना है वो तत्काल सिद्ध होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस जगह पे, पर यह है कि महाकालेश्वर जी का महाकाल का दर्शन बहुत आसानी से हो गया, मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ महारानी की कृपा से। ये देखिए, सभी मतलब क्या दुकान लगा हुआ है, ये सब फूल बिक रहे हैं। आइए आपको आगे लेकर के चलता हूँ मैं। सभी जड़ी बूटी रुद्राक्ष सभी रखे हुए हैं लोग। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम महाकालेश्वर जी का दर्शन कर सकते हैं, और मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ों को। यह है मुख्य द्वार ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। जो भक्त आएंगे बाबा का दर्शन जरूर। यह है बाबा का मंदिर, भव्य मंदिर, जहाँ आने से बहुत ज़्यादा शांति, मतलब कि मैं आया तो इस जगह में इतनी मुझे इतना अच्छा मुझे शांति महसूस हुआ, मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई इस जगह पे। जो भी भक्त आए तो दर्शन जरूर करेंगे। देखिए, सब तरह पूजा पाठ चल रहे हैं, सभी पंडित बैठे हुए हैं महाकालेश्वर जी। आपको और पास दर्शन करवाता हूँ मैं। शिवलिंग पर दिख रही है, जैसे जय श्री महाकाल। देखिए, स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा शिवलिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो महाकालेश्वर जी हैं सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये एंट्री गेट की है, जो गली है जाने का, यहाँ से हम महाकालेश्वर जी के लिए अंदर जाएंगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जब मैं दर्शन के लिए अंदर गया, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अंदर।
और भी क्या है कि कोई चीफ गेस्ट आने वाला था तो यहाँ पर अभी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया यहाँ पर, और सभी को अलाउ नहीं किया गया हम शिवलिंग को छू सकें, पर कोई बात नहीं, हम पर्सनली जा करके बाबा का दर्शन कर चुके हैं। यह नंदी जी जो कि सेवा में नंदी जी बैठे रहते हैं हमेशा, और अभी अभी तो रणवीर और एक और ही नाम थी वो भी आई हुई थी, उनका भी दर्शन नहीं हो पाया है, उनको भी बाहर कर दिया गया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी जगह पर। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी आए थे शायद मेरे हिसाब से, ये देखिए पूरा गेट है मुख्य द्वार, कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम पास से दिखा पाऊँ, बहुत पास से दिखा पाऊँ, कोशिश करता हूँ मैं एक बार। साफ साफ शिवलिंग दिखाई दे रहा है माँ कालेश्वर जी का। ये है बाहर का प्रांगण जो कि बाहर का दृश्य, यहाँ पर जो शिव जी का रूप बैठा हुआ है, शिव जी विराजमान है यहाँ पर जस्ट माँ कालेश्वर जी के जस्ट बगल में ही है। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए ज़्यादा साफ आया नहीं फोटो। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक की भीड़ थी, ये प्रसाद का वो है, और दूसरी चीज़ जो लड्डू गोपाल जी होते हैं हमारे, लड्डू गोपाल जी का भी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। बहुत दूर दूर श्रद्धालु आए हुए हैं, तो आप सभी जो माँ कामाख्या दिव्य दरबार के भक्त हैं, जो चैनल को देखते हैं, जो प्यार करते हैं इस चैनल में, वो सभी एक बार जरूर महादेव जी का दर्शन करने जगह पर जरूर आए, अपनी मनोकामना महाकाल जी के सामने रखें, क्योंकि वो कालों के कारण महाकाल हैं जिसका नाम महाकालेश्वर पड़ा। यही वो रूप थे जो ब्रह्मदेव का इन्होंने ही घमंड तोड़ा था महाकाल का रूप पकड़ करके। ये लड्डू गोपाल जी महाराज राधे कृष्ण कितना प्यारा लग रहा है इसको देखिए पहले। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर, और भी जानकारी मिल लेकर के आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगा, और भी मतलब कि प्यार आप लोगों को मिलता रहेगा माँ कामाख्या दिव्य दरबार का। तब तक सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, जय ब्रह्म बाबा, माँ कामाख्या सभी कल्याण करें, जय नरसिंह जो।